दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूज चैनल पर। स्वामी रामभद्राचार्य का गला काटने पर 2 लाख, आंख फोड़ाने पर दूंगा 3 लाख। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर दर्ज हुई FIR। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए युवक के खिलाफ एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसकी पहचान गांव फुसावली का रहने वाले सत्यवीर सिंह के बेटे डेविड जाट के रूप में हुई अलीगढ़। सोशल मीडिया पर वीडियो विरल कर स्वामी रामभद्राचार्य की गर्दन काटने और आंखें निकालने का ऐलान करने वाले युवक के खिलाफ अलीगढ़ जिले के बरला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब डेविड जाट नाम के युवक की तलाश भी शुरू कर दी है। डेविड जाट नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि स्वामी रामभद्राचार्य की गर्दन काटकर लाने वाले को 2 लाख और आंखें फोड़ने पर 3 लाख रुपए देगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए युवक के खिलाफ एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसकी पहचान गांव फुसावली का रहने वाले सत्यवीर सिंह के बेटे डेविड जाट के रूप में हुई। इसके बाद गांव के चौकीदार की तहरीर पर डेविड जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक नोएडा के किसी कंपनी में काम करता है। SP देहात पलाश बंसल ने बताया कि पोस्ट वायरल होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, आरोपी की तलाश की जा रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूज चैनल पर। हर वक्त की नई और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।